खबर जनपद गौतम बुद्ध नगर से। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 का सफल व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देश अनुसार में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने संभाला मोर्चा। वही BSF के कंपनी के साथ निकाली फ्लैग मार्च। देखिए पूरी रिपोर्ट संदीप तिवारी के साथ, गौतम बुद्ध नगर। हमें सूचना दीजिए, हम उसको समय रहते उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये हम लोग का वादा है। आज पूरी फोर्स आपके साथ खड़ी है। आज से लेकर मतदान की तिथि तक या उसके बाद भी कहीं भी किसी तरह की अगर आशंका आपको है, कौन सी जगह पे और कहां कहां पे? देखिए, ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी हो रही है और उसकी तैयारी के क्रम में आज एरिया डोमिनेशन का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे BSF के साथ ही एक पूरी कंपनी हमारे साथ है और हम लोग सभी वैसे सेंसिटिव बूथ और वल्नरेबल पॉकेट्स वाले एरियाज में, प्लस क्रिटिकल जो बूथ हमारे हैं, उन सभी एरियाज में हम लोग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस एरिया में जितने बैड एलिमेंट्स हैं उन लोगों के बारे में वेयर अबाउट्स पता कर रहे हैं और यहाँ पे निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपन्न हो इसके लिए लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने सी विजिल के बारे में जानकारी दी है। हम लोगों का पर्पस ये है कि जो ये चुनाव है ये पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्षता और निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो और इसी के क्रम में ये हमारा एरिया डोमिनेशन चल रहा है। हम लोग ये इंश्योर कराएंगे कि यहाँ पर सभी लोग निर्विघ्न होकर के चुनाव में पार्टिसिपेट करें। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमें समय रहते हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं उससे हमें बताएं। हमारा इलेक्शन सेल 24 आवर्स काम कर रहा है, वहाँ बताएं। और जो हमारा एक ऐप है सी विजिल, उस सी विजिल ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर कुछ नहीं करना है आपको। केवल अपने जो भी कहीं गलतियाँ दिखती हैं, आपको कोई भी इरेगुलरिटीज दिखती हैं, आप उसको हमें अपलोड कर दीजिए, हम उसके बाद एक्शन करेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है और ये पूरे कमिश्नरेट के हर एरियाज में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में ये एरिया डोमिनेशन चलेगा। और जिस तरह से हमारे BSF के जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम लोग ये डोमिनेट करेंगे एरिया को और लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस देंगे कि हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर चुनाव को शांतिपूर्ण